तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, फाइनली पोको ने अपना पोको M3 Pro 5G नाम का स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो गाइस, इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो स्मार्टफोन है ये आपको पोको की तरफ से एक मिड रेंज स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है, जिसे हम मिड रेंज स्मार्टफोन कम में एक बजट स्मार्टफोन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो मिड रेंज स्मार्टफोन वाली तो नहीं मिलती। वैसे मिड रेंज वाली स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बट यहाँ पर आपको एक बजट स्मार्टफोन जैसी स्पेसिफिकेशन मिलती है, तो आपको कम कीमत में 5G डिवाइस मिल जाता है पोको की तरफ से। बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है वो रीब्रांडेड है रेडमी के नोट 10 5G का, जो आपको ग्लोबल मार्केट में देखने के लिए मिला था, बट वो जो स्मार्टफोन था वो आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिला था। पर ये जो स्मार्टफोन है वो ग्लोबल मार्केट में रीब्रांड कर पोको M3 Pro 5G के नाम से लॉन्च किया गया है। और इसमें आपको जो पीछे का डिजाइन है वो थोड़ा चेंज होकर देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। और इंडिया में आपको रेडमी का नोट 10 5G स्मार्टफोन देखने के लिए नहीं मिलेगा, इंडिया में आपको पोको M3 Pro 5G डिवाइस देखने के लिए मिलेगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको जून के मंथ में मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन में आपको दो वेरियंट देखने के लिए मिल जाते हैं। एक 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 15,995 रुपीज मिल जाती है। बट पोको ने यहाँ पर आपके ऑफर दिया है जिससे आप इस स्मार्टफोन को 14,205 रुपीज में खरीद सकते हो। और इसमें आपको जो हायर वेरिएंट है वो 6GB रैम 128GB का मिलता है, जिसकी प्राइस आपको 17,780 रुपीज देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो स्मार्टफोन है वो तीन कलर के साथ लॉन्च किया गया है, एक ब्लैक कलर, ब्लू कलर एंड येलो कलर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो एक IPS LCD पैनल है। और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिल जाते हैं, 500 निट्स पर आपको इसकी पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो 700 मीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और इसमें आपको 5G का इनबिल्ट सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको जो रैम मिल जाती है वो LPDDR4X वाली मिल जाती है, और जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 का है। और इसमें आप स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हो 1TB तक विद माइक्रो SD कार्ड के द्वारा। और यहाँ पर आपका एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाता है, जो MIUI 12 पर बेस्ड है। और इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IR सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक, FM रेडियो। और अगर हम बात करें इसके वेट की, तो इस स्मार्टफोन का जो वेट होगा वो 190 ग्राम होगा, और इसकी जो थिकनेस होगी वो आपको 8.9mm देखने के लिए मिल जाएगी। और इसमें आपको डुअल 5G मोड, डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, USB टाइप सी पोर्ट, NFC का सपोर्ट मिल जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है वो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ आता है, जिसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइस, ये थी कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पोको के M3 Pro 5G की। इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो आपको जून के मंथ में मिलने वाला है, और ये काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ आपको इंडिया में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो 14,000 से स्टार्ट होकर देखने के लिए मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो आपको 13 से लेकर 14,000 की प्राइस के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप लेकर चलो कि 13,000 आपको इसकी स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस देखने के लिए मिल सकती है। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए, ताकि अपन वाले अपडेट को मिस ना करें।